हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चर। जितने भी स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2023 देना है, वो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। स्टूडेंट, ले आया मैं 12th केमिस्ट्री का एक वायरल पेपर। तो जितने भी स्टूडेंट इस बार 2023 बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं, वो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से समझेंगे, क्योंकि ऐसे आएगा 12th केमिस्ट्री का पेपर 2023 बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि केमिस्ट्री का ये एक वायरल पेपर है। सेम इसी तरह आपका पेपर इस बार आएगा। देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि इसी पैटर्न का पेपर आएगा, यानी कि सेम इसी तरह पेपर आएगा। मैं आपको पूरा पेपर दिखाऊंगा, देखिए कैसे किस प्रकार से कौन सा क्वेश्चन होगा यहां पर पूरा। और मैं आपको इस पेपर को सॉल्यूशन के साथ लेकर आया हूं, यानी कि जो आपका ये पेपर है ये मैं सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। तो अगर आपको 2023 बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस मार्क अचीव करना है, तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर को भी सॉल्व करना होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे कि सर आप पिछले साल के पेपर्स को भी बताइए, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर में से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इस बार आ सकते हैं। तो देखिए, ये आपका 12th केमिस्ट्री का 2022 का पेपर है, ठीक है, केमिस्ट्री का पेपर है। इस वीडियो को अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपका पेपर कितना कठिन आता है, कितना सरल आता है, कठिन आता है या सरल। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, ये सब आपको पेपर देखने से ही पता चलेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे ही सभी सब्जेक्ट का वीडियो लूं, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये एक स्टूडेंट है जिसका ये पेपर है, इसमें जो पृष्ठ होंगे 12 पृष्ठ होंगे, आपके पास समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक आपका 70 का रहेगा, ठीक है। निर्देश आपको कुछ दिए रहेंगे, यानी कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी कि जो स्टार्टिंग के 15 मिनट है इसमें, वो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया गया है। दूसरा निर्देश है, सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं, यानी कि जितने भी प्रश्न इसमें है सब आपको करना होगा, ठीक है। तीसरा है, गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद लिखिए, जो आपका कैलकुलेशन वाला जो पद है उसमें आपको कैलकुलेट भी करना होगा। चौथा है, प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर दीजिए, ठीक है। पांचवा है, जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण दीजिए, क्योंकि ये केमिस्ट्री है भैया, इसमें रासायनिक समीकरण भी देना होगा। अब देखिए, पेपर आपका कैसा आएगा ये जानना जरूरी है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। कितने क्वेश्चन रहेंगे, का खा गा घ, 4, 5, 6 क्वेश्चन टोटल रहेंगे, 6 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा, 4 विकल्प रहेगा, जो सही वाला विकल्प है उसको चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। जैसे देखिए, का वाला है, प्रति एकक कोष्ठिका में 2 परमाणुओं की कुल संख्या रहती है, यानी कि इसमें से कौन सी एकक कोष्ठिका है जिसमें परमाणुओं की संख्या 2 होती है, तो देखिए वो है यह है अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, तो सेकंड वाला ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक। तुक्का का आपका सेकंड ऑप्शन राइट होगा, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। ये ठोस अवस्था चैप्टर का क्वेश्चन है। खा देखिए, 400 ml विलयन में 7 ग्राम NaOH घुला हुआ है, विलयन की मोलरता क्या होगी। अब मोलरता निकालना तो मैंने पहले ही बताया था, तो इसकी मोलरता होगी फर्स्ट वाला 0.437 मोल लीटर इनवर्स। आप सॉल्व करेंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं पेपर दिखा रहा हूं तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। गा देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है बच्चों, बताओ जल्दी बताओ। देखिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए होता है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए होता है केवल सेकंड इनवर्स, मैंने बताया था ना। अब नहीं पढ़ेंगे भैया तो गलती आपकी है, दूसरा ऑप्शन सही होगा। घा देखिए, अब आते हैं कार्बनिक रसायन से कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे देखिए, जल अपघटन पर बेंजामाइड बनाता है, यानी कि अगर आप बेंजामाइड का जल अपघटन कराएंगे तो क्या बनेगा बताइए, तो ये बनेगा बेंजोइक अम्ल, ठीक है। जल अपघटन पर बेंजामाइड कौन बनाता है, बेंजोइक अम्ल बनाता है, यानी कि कौन सा इसमें यौगिक है जो जल अपघटन पर बेंजामाइड बनाता है, तो वो है बेंजोइक अम्ल, सेकंड ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, अंगा नंबर क्वेश्चन है, RNH2 प्लस CHCl3 प्लस KOH इक्वल टू अभिक्रिया कहलाती है, बताइए किसमें। मैंने बताया था आपको एल्किल RNH2 प्लस CHCl3 प्लस KOH, यानी कि RNH2 का हम क्लोरोफॉर्म CHCl3 से, ठीक है, ट्राइक्लोरोमेथेन भी इसको बोलते हैं, KOH की उपस्थिति में, अल्कोहलीय KOH की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या बनता है, ये कौन सी अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, मैंने पहले ही बताया था। कैसे पहचानेंगे आप लोग, देखिए NH2 लगा है, ये सिंपल है, एमीन है,
हो गया, ठीक समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए चावला, आरएनए में उपस्थित क्षारक है, यानी कि आरएनए जो होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसमें कौन कौन से क्षारक उपस्थित होते हैं बताइए जल्दी। इसमें देखिए एडेनिन गुआनिन थायमिन साइटोसिन, सॉरी एडेनिन गुआनिन साइटोसिन यूरेसिल होता है, इसमें थायमिन नहीं पाया जाता। देखिए बाकी सब में थायमिन दिया गया क्योंकि थायमिन डीएनए में होता है, आरएनए में नहीं होता, ठीक है। तो एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थायमिन, गुआनिन साइटोसिन थायमिन, तो जिसमें जिसमें थायमिन है वो गलत है, इसमें देखिए थायमिन नहीं है, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन यूरेसिल ये सही होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको लिखना होगा। नेक्स्ट देखिए, अब हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न 6 क्वेश्चन था, 6 नंबर का था, यहां पर फिनिश हो गया। अब आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर, दो दो नंबर वाले। देखिए कहा है सिल्वर सीसीपी जालक बनाता है और इसके क्रिस्टलों में एक्स किरण अध्ययन द्वारा पता चला कि इसकी एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई 408.6 पीएम है, सिल्वर के घनत्व की गणना कीजिए, दो नंबर का, ठीक है। इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, चार क्वेश्चन आएंगे। देखिए वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं, विलेय के वाष्प दाब एवं मोल प्रभाज के आपेक्षिक अवनमन के बीच संबंध का व्यंजक लिखिए, गा है मानक इलेक्ट्रॉन विभव को समझाइए, घा है विद्युत अपोहन की उपयोगिता लिखिए। तो चार क्वेश्चन रहेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, दो दो नंबर के, आठ नंबर इसके लिए आपको मिलेगा, ठीक है। अब ये सब क्वेश्चन ये मत सोचिए कि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, देखिए क्वेश्चन चेंज रहेंगे, सेम पेपर नहीं आएगा, मेरा मतलब है कि पेपर इस प्रकार से आएगा। अब 2022 में ये सब क्वेश्चन आया था तो 23 में दूसरा आएगा, ठीक है, ये तो क्लियर है, तो ये आपका समझ लीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन आएगा, बहुत सरल आएगा, तैयारी आपकी जबरदस्त होनी चाहिए, पेपर कैसा भी आए आप सॉल्व कर लेंगे। तीसरा का देखिए, दो नंबर का ये भी है, स्टाइकियोमेट्री दोष को सचित्र समझाइए, स्टाइकियोमेट्री दोष क्या होते हैं। खा है तनु तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल की तांबे से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है, दो दो नंबर के। इसमें देखते हैं कितने क्वेश्चन है, नेक्स्ट पेज देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पेज हमारा है, एक दंतुर लिगैंड को उदाहरण सहित समझाइए, उपसा संयोजन यौगिक चैप्टर का क्वेश्चन है। घा है ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज की संरचना में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहां पर भी दो दो नंबर के चार क्वेश्चन है, आठ नंबर आपको मिलेगा। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों पर, चौथा क्वेश्चन है, ये लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। जैसे देखिए एक सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए, जेडन सॉलिड सीयू टू प्लस एक्वा, ठीक है, जेडन टू प्लस एक्वा प्लस सीयू एस, ठीक है, ये आपका। खा देखिए निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए, वैद्युत कण संचलन स्कंदन, ये आपका पृष्ठ रसायन चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। गा देखिए एनिलीन के नाइट्रोकरण की विधि और अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए, ये सब क्वेश्चन आए हैं। देखिए हर साल अलग अलग क्वेश्चन दिए जाते हैं, आप मत समझिएगा कि यही क्वेश्चन आएंगे, डरिएगा मत पेपर को देखकर। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर इसमें से मुझे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पता है, तो देखिए पेपर सेम नहीं आएगा, तैयारी जबरदस्त कीजिए, पेपर चेंज रहेगा आपकी बार। घा देखिए ग्लूकोज की निम्नलिखित में से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए, NH2OH HCN, ठीक है, ये हो गया। तो ये तीन तीन नंबर वाले हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। पांचवा क्वेश्चन भी लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, तीन नंबर का। देखिए परासरण दाब को परिभाषित कीजिए, परासरण दाब और विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। खा है शून्य कोट अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के लिए इकाई का व्यंजक निकालिए, शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए। गा है संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं तीन अभिलक्षणिक गुणों को लिखिए, ठीक है। और घा है हमारा उपसा संयोजन यौगिक के वर्णन सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये सब चार चार नंबर वाले क्वेश्चन होंगे, देखिए चार चार नंबर के ये सवाल, ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। इसमें मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं, आंसर मैं बहुत सारे बता चुका हूं और अभी भी मैं आपको आंसर बताऊंगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आगे आगे आप देखते चलिए, ध्यान से समझिए जो कुछ मैं बता रहा हूं, केमिस्ट्री फिजिक्स में पढ़िए, आप टॉपर बनकर रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब आता है हमारा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, क्योंकि टोटल 70 नंबर का ही क्वेश्चन पेपर रहेगा, तो 6 नंबर है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। देखिए इसमें आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, यानी कि एक नहीं पता तो दूसरा कीजिए। फिर देखिए अमोनिया के निर्माण की औद्योगिक विधि का नामांकित चित्र देते हुए प्रक्रिया एवं रासायनिक समीकरण लिखिए, अमोनिया की कॉपर सल्फेट सिल्वर क्लोराइड के साथ रासायनिक समीकरण भी लिखिए, पांच नंबर। ये पता है तो कीजिए, नहीं तो अथवा लगा है। तीन अंतरा हाइड्रोजन यौगिकों के बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण, उनके दो उपयोगी के पांच नंबर, ठीक है, ऐसे सब में रहेगा। इसमें खा देखिए निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, प्राथमिक अल्कोहल या बीहक का बीहाइड्रोजनीकरण, ठीक है, फिनॉल का नाइट्रोकरण, एलिसोल के साथ फ्रीडर क्लॉप्ट अभिक्रिया, ये पता है तो कर सकते हैं, नहीं तो अथवा लगा है। इसमें निम्नलिखित के रासायनिक समीकरण लिखिए, कोलबी अभिक्रिया, राइमर टीमर अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। तो मैंने इसीलिए आपसे कहा था कि आप लोग जो नेम रिएक्शन है उसको पढ़ लीजिए, आप लोग सर्च कीजिएगा क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट रिएक्शन शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, उसमें नेम रिएक्शन मैंने पूरा एक ही वीडियो में पढ़ा दिया है, तो उसको देख लेंगे, पांच नंबर क्लियर हो जाएगा। सेवन नंबर देखिए, ये भी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होगा, क्योंकि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 20 नंबर का आता है, ठीक है। इसमें सब में ऑप्शन रहेगा, एक पता है तो करिए, नहीं तो दूसरा करिए, ठीक है। देखिए क्लोरोबेंजीन के साथ हाइड्रोजनीकरण, नाइट्रोकरण, सल्फोनेशन, फ्रेडल क्रॉप्स अभिक्रिया तथा वुड्स फिटिंग अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए, पांच नंबर, ठीक है।
अथवा हाइलोएल्केन में एक अणु या तथा द्वि अणु नाभिक इरागी प्रतिस्थापन क्रिया की क्रियाविधि लिखिए 5 नंबर। ठीक है, इस प्रकार से चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए इसमें खा है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को पूर्ण कीजिए, यानी कि आपका इसमें कहीं कहीं गैप होगा। देखिए इसमें तो बच्चे ने भर दिया है, लेकिन यहां पर देखिए RCHO प्लस यहां पर गैप था, डॉट डॉट लगा था, इसको पूर्ण करना है। ऐसा भी आता है क्वेश्चन, देखिए ये ठीक है, इसको पूर्ण करना है, इसको पूर्ण करना है। 5 क्वेश्चन लेंगे, 5ों कर लेंगे 5 नंबर। अथवा लगा है वो नहीं पता तो इसको कीजिए। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, क्लीमेंसन अपचयन, वोल्फ फिशनर अपक्रिया, एल्डोल संग्रहण करने जा रहा अपक्रिया, हेल फोलार्ड जेलेंस्की अपक्रिया, 1 नंबर। ठीक है, तो देखिए यहां पर एक चीज और आता है केमिस्ट्री में, कैसे प्राप्त करोगे, क्या होता है जब लास्ट में दे दिया जाएगा, कैसे प्राप्त करोगे बेंजीन से क्लोरोबेंजीन, ऐसे ऐसे आएगा। ठीक है, अथवा यहां पर क्या होता है जब आ सकता है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी इसमें आते हैं। तो यही था आपका 12th केमिस्ट्री का पूरा पेपर, मैंने आपको दिखाया कि कैसे आपका क्वेश्चन पेपर इस बार आने वाला है। तो देखिए ये एक पेपर पैटर्न था, ये क्या था, एक पेपर पैटर्न की ऐसे ही क्वेश्चंस, ऐसे ही पेपर्स में आपके क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन क्वेश्चन अलग रहेगा, सेम क्वेश्चन नहीं आएगा। हो सकता है एक दो क्वेश्चन आ जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल बहुत कम है। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करते रहें, पेपर मत देखिए, पेपर दिखाने का मेरा पर्पस था कि आप लोग जान सके कि कैसा पेपर आता है। ठीक है, किस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये मेरा पर्पस था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका केमिस्ट्री का पेपर पूरा आएगा। ठीक है, तो आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही मैं सभी सब्जेक्ट के पेपर लाऊं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।